तो हाय एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के नौ विश्वविद्यालय में कहाँ पे कैसा कब एग्जाम होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे स्टार्ट करते हैं कोल्हान का, क्योंकि कोल्हान वाले बच्चे बहुत पगला गए। देखिए, आप लोग का डेट दे दिया गया है पेपर में, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया गया है कोल्हान यूनिवर्सिटी का, लेकिन एग्जाम आप लोग का नवम्बर के लास्ट में होगा, 28-26 इसी के बीच में आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन नवंबर के एंड में कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर नया एजुकेशन पॉलिसी वालों का एग्जाम होगा, ठीक है, सेमेस्टर टू का भी और सेमेस्टर थ्री का भी। उसके बाद बात कर लेते हैं तो BBMKU का एग्जाम निकला एक बार, ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ डेट वगैरह एडमिट कार्ड तक निकल गया। उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन हो गया और आप लोग का एग्जाम फिर से नवंबर में कर दिया गया है, ठीक है। DSPMU का भी सेमेस्टर वन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, करवा लीजिएगा अगर आप में से कोई है तो। वुमेन यूनिवर्सिटी का तो ये सब का सबको मालूम में रहता है, जनरली बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है आपका, कोल्हान हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, NPU हो गया, SKMU हो गया, विनोबा भावे हो गया, तो जनरली कोल्हान का आपका नवम्बर के एंड में होगा। नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का जो है आपका, इसका कब होगा तो इनका जो है रांची यूनिवर्सिटी का जैसे ही एग्जाम होगा उसके एक सप्ताह पीछे पीछे NPU का एग्जाम होगा, ठीक है, चाहे बात करें सेमेस्टर वन का, सॉरी सेमेस्टर टू का या थ्री का, क्योंकि वन वाले जितना भी है ना जो 24-28 सेशन में एग्जाम लिए हैं, ठीक है, सॉरी एडमिशन लिए हैं 24-28 सेशन में अगर आप एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो आप लोग का जो एग्जाम है वो इस साल होने का नहीं है, वो होगा अगला साल नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में होगा 2025 में 24-28 सेशन वाले। बाकी NPU सेमेस्टर टू और थ्री, जैसे रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा और रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जाएगा नवंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगा इनका भी, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही शुरू होगा उसके एक सप्ताह पीछे पीछे आपका NPU का एग्जाम होगा, ठीक है। SKMU का भी सेम उसी टाइप से होगा, नवंबर या दिसंबर में। विनोबा भावे का थोड़ा सा लेट चल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम एग्जाम जो है आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा, या तो नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, यही एग्जाम होगा। और इसका मेन रीजन है झारखंड का इलेक्शन, ठीक है, झारखंड में जो विधानसभा इलेक्शन है इसी कारण सभी एग्जाम वैकेंसीज जितना भी है सबको होल्ड करके रख दिया है, ठीक है, कि सब कोई रुक जाओ भाई, पहले कौन, पहले इलेक्शन, ठीक है, यही नेता लोग सबसे पहले रहेगा और हम लोग का काम होगा धीरे पीछे, ठीक है। चलिए जो भी है तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, आप लोग अपना अपना सिलेबस खुद चेक कर सकते हैं, सबका सिलेबस आ गया है। बाकी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल से देना शुरू कर दूंगा, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि एग्जाम जो है नवंबर के एंड में होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। बाय।